हेलो, द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या कहते हैं, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड 10% पर एनम फॉर द बियॉन्ड 7 ईयर्स. इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट अक्यूड बाई द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज ₹1850, देन द सम इज. देखिए, सम तो नहीं पता, सम को हम मान लेते पी, तो कोई पी अमाउंट, पी प्रिंसिपल पर बोलेंगे, पी प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट SI जो है जोड़ा जाता है, SI लगाया जाता है, जिसमें तीन प्रकार के रेट कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है. तो तीन प्रकार के रेट में एक है 5% पर एनम, एक है 8% पर, सॉरी, एक क्या है 8% पर एनम, तो 8% पर एनम, और एक कितना है 10% पर एनम. यहाँ पर लिखेंगे 10% पर एनम, ठीक है. 5% वाले 4 साल के लिए, ठीक है, 8% वाले 3 साल के लिए, और कुल 10 है, कुल 10 साल है, तो 4 और 3 7 हुए, यानी 3 साल के लिए 10% हो गए. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबका RT% निकालेंगे, RT% निकालेंगे सबका, RT% थ्योरी प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ से RT% 4 5 20% ये हो गया, और ये हो जाएगा 8 3 का 24%, और ये हो जाएगा आपका 30%. तो कुल परसेंटेज को जोड़ लेते हैं तो 20 30 50 और 20 70 70 74%, यानी कि पी का 74% इंटरेस्ट हो गया, पी का क्या हुआ 74% इंटरेस्ट हुआ, और इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट दे भी रखा है, यानी 74% में इंटरेस्ट जो है 74% है टोटल, और रुपये में 1850 है, तो दोनों आपस में बराबर. 1% का मान हो जाएगा 1850 बटा 74, और 100% का अगर मान निकालना है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है यानी सम निकालना है, तो 1850 बटे में 74 × 100 कर देते हैं. अब यहाँ से जो भी कटने लायक होगा कटा सकते हैं हम लोग. ये हो जाएगा आपका 50, ये आपका हो जाएगा कितना, 2 3 6 और 2 7 6 यानी 37. अब ये कट जाएगा आपका 30 5 150 और 7 5 35, यानी 5 बार में ये कटेगा, ठीक है, यानी 50, और 50 × 50 करते हैं तो 2500 आता है. तो ये जो 2500 रुपये होगा, यही क्या होगा, सम होगा, ये फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वही करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू.